टीवी की मशहूर एक्ट्रेस देविना बनर्जी भले ही इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। देविना बनर्जी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने पति और बेटियों संग पोस्ट शेयर कर फैंस के बीच मौजूदगी दर्ज कराती रहती हैं। लेकिन देविना बनर्जी को लेकर हाल ही में चौंकाने वाली खबर आई है। दरअसल एक्ट्रेस इन्फ्लुएंजा वी वायरस का शिकार हो गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस बीमारी के कारण अपनी दोनों बेटियों को यानी लियाना और दिविशा से भी दूरियां बना ली हैं। देविना ने इंस्टा पोस्ट पर लिखा है कि तो मैं इस वायरस की शिकार हो गई हूँ और मैं इस वक्त अपनी बेटियों से भी दूर रह रही हूँ। अब कुछ भी हो लेकिन आसान नहीं है, मेरे लक्षण थे जुकाम और बुखार। देविना बनर्जी की बीमारी को लेकर उनकी मैनेजर ने बताया कि एक्ट्रेस काफी दिनों से काफी चीजों का परहेज कर रही हैं, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ऐसे में उन्होंने अब अपनी बेटियों को खुद से दूर कर दिया है कि कहीं ये बीमारी उनकी बेटियों तक ना पहुंच जाए। और बेटियों से दूर होने के बाद देविना मुरझा गई हैं। देविना की मैनेजर ने बताया कि जुकाम और बुखार में वो सारे परहेज कर रही थी, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने अपना टेस्ट कराया जिसमें उन्हें पता चला कि वो इस खतर नाग वायरस का शिकार हो गई है। मैनेजर ने बताया कि अब उनमें थोड़ा बहुत सुधार देखा जा रहा है और जल्द वो ठीक भी हो जाएंगी। इस बारे में मैनेजर ने कहा कि वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और सावधानियां भी बरत रही हैं, सही खाना खा रही हैं और इस बात का खास ध्यान रख रही हैं कि उनकी बेटियां उन तक ना पहुंचे। वो जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं और इस वक्त देविना को अपनी बेटियों की चिंता बहुत सता रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट अपना 91वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा का जन्म 24 फरवरी 1972 में मुंबई में फेमस फिल्म मेकर महेश भट्ट के घर हुआ था। पूजा को शुरुआत से ही एक्टिंग का काफी शौक था और इसी कारण उन्होंने केवल 17 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में अपना पहला कदम रख दिया था। पूजा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1989 में आई फिल्म डैडी से की थी। इसके बाद वो दिल है कि मानता नहीं और संजय दत्त के साथ फिल्म सड़क में भी नजर आई। पूजा भट्ट ने बेहद ही कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। हालांकि अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचकर पूजा भट्ट अपने प्रोफेशनल जिंदगी से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर काफी कंट्रोवर्सी में रही हैं। महेश भट्ट और पूजा भट्ट लिप किस करते हुए मैगजीन के कवर फोटो पर इनकी फोटो छपी थी, जिसको लेकर महेश भट्ट और पूजा भट्ट काफी ज्यादा विवादों में फंस गए थे। पूजा और महेश भट्ट के इस फोटो से इतना विवाद हुआ कि महेश भट्ट को जान से मारने की धमकी तक मिल गई थी। इतना ही नहीं, पूजा भट्ट को भी काफी कुछ चीजों का सामना करना पड़ा था। पूजा को लेकर पिता महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान बेहद ही विवादित बयान भी दिया था, जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। महेश ने कहा था कि अगर पूजा उनकी बेटी नहीं होती तो मैं उनसे तुरंत शादी कर लेता। अब इसके बाद तो हंगामा मच गया, लोग महेश भट्ट को खरी खोटी सुनाने लगे थे। केवल इतना ही नहीं, एक बार पूजा भट्ट ने न्यूड फोटो शूट करवाया था, जिसको लेकर वो सुर्खियों में आ गई थी। दरअसल पूजा ने न्यूड होकर अपनी पूरी बॉडी पर पेंट लगाकर फोटो शूट करवाया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। साल 2003 में आई फिल्म पाप के डायरेक्शन के दौरान पूजा की नजदीकियां मनीष मखीजा के संग बढ़ने लगी थी। कुछ समय के बाद दोनों ने शादी भी रचा ली थी। हालांकि पूजा और मनीष का ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिका और कुछ सालों बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। बता दें, फिल्म जिस्म की शूटिंग के दौरान पूजा भट्ट का नाम एक्टर रणवीर शौरी के संग भी जुड़ा था। पूजा और रणवीर लिव इन में भी रहने लगे थे। लिव इन में रहने के बाद अक्सर शराब के नशे में पूजा और रणवीर के बीच मारपीट भी होती थी। कहा जाता था कि एक बार रणवीर ने शराब के नशे में पूजा के साथ इतनी मारपीट कर दी थी कि एक्ट्रेस को गंभीर चोटें भी आई थी। इसके बाद पूजा भट्ट ने रणवीर शौरी के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज किया था और रणवीर कानूनी पचड़ों में फंस गए थे। इस घटना के बाद पूजा भट्ट को भी शराब की बुरी लत लग गई थी। कई सालों तक एक्ट्रेस अपनी इस लत से जूझती रही, या यूं कहें कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। आज पूजा भट्ट अपने पिताजी के साथ घर में ही रहती हैं। टीवी सितारों को देखकर अक्सर लोगों को यही लगता है कि वो कितने ऐशो आराम में रहते होंगे और खूब पैसा भी कमाते होंगे, लेकिन असल जिंदगी में ये टीवी सितारे कई मुश्किलों से गुजरते हैं। कभी काम की तलाश में तो कभी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में परेशानियों से। इन परेशानियों से जूझते हुए ही टीवी के कुछ सितारों के मन में तो आत्महत्या का ख्याल भी आने लगता है। इस लिस्ट में उर्फी जावेद से लेकर अर्चना गौतम और कपिल शर्मा तक शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन से स्टार हैं जिन्होंने इस
खतरनाक कदम को उठाने का फैसला कर लिया था। शहनाज गिल ने बताया था कि सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद वो जीने का मकसद बिल्कुल भूल गई थी। हालांकि शहनाज गिल के करीबी लोगों ने डिप्रेशन से निकालने में उनकी पूरी पूरी मदद की थी और आज शहनाज पूरी तरह से मूव ऑन करके अपनी जिंदगी को जी रही है। वही अर्चना गौतम ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके पास खतरनाक बीमारी में किराया देने का पैसा तक नहीं बचा था। ऐसे में वो खुदकुशी के लिए बालकनी पर खड़ी हो गई थी, लेकिन अपनी माँ का ख्याल आते ही अर्चना गौतम ने पैर पीछे कर लिया और वो वापस जिंदगी में लौट आए। मृणाल ठाकुर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि काम और जिम्मेदारियों के कारण उनके मन में सुसाइड का ख्याल आने लगता था। उन्हें लगने लगता था कि 23 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं चाहती थी। मृणाल ठाकुर ने बताया कि कई बार वो ट्रेन और बालकनी में आकर कूदने की कोशिश कर रही थी। कपिल शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल है। कपिल शर्मा ने बताया कि वो नेगेटिव पब्लिसिटी के कारण डिप्रेशन में जा रहे थे। उन्होंने कई बार समंदर में छलांग लगाने तक का फैसला कर लिया था। इनके अलावा सौम्या सेठ, टीवी एक्टर सौम्या सेठ प्रेगनेंसी की शुरुआत में खुदकुशी का ख्याल करने लगी थी। दरअसल जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि सौम्या के माता पिता ने उन्हें इस डिप्रेशन से निकालने में उनकी पूरी मदद की। उर्फी जावेद, जो कि हर तरफ छाई हुई रहती है अपने बेबाक कपड़ों की वजह से, उर्फी जावेद ने बताया था कि वो अपने फेल करियर और फेल रिलेशनशिप्स की वजह से परेशान थी, जिसके बाद उनके पास ना ही पैसे बचे थे और ना ही वो लोगों को मुंह दिखाने लायक बची थी। खुद को लूजर समझने लगी थी, में वो खुद खुशी करने की प्लानिंग कर रही थी। और कहीं ना कहीं इस लिस्ट में जैस्मीन भसीन का भी नाम शामिल है, जिसे सुनकर आपको भी झटका लगा होगा। करियर में मची उथल पुथल से जैस्मीन भसीन ने भी खुद खुशी का ख्याल कर लिया था। एक्ट्रेस ने बताया कि अक्सर ऑडिशन में फेल हो जाती थी, जिससे वो बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। रुबीना दिलायक भी इस लिस्ट में शामिल है। रुबीना दिलायक ने बताया था कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को हैंडल नहीं कर पा रही थी, अपने आसपास किसी को भी नहीं देख पा रही थी जो उनकी मदद कर सके। इन परेशानियों ने उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया था, उनके मन में आत्महत्या का ख्याल आने लगा था। पवनदीप अनीता कांचीलाल ने कल के दिन पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, कल का दिन बहुत स्पेशल था, महादेव का दिन था और इस दिन पर पवनदीप अनीता को स्पेशल तोहफा मिला महादेव की तरफ से। महादेव के भक्त है तो महादेव की कृपा तो इन पर बरसेगी। तो हुआ ये कि कल महाशिवरात्रि पर पवन अनीता ने भक्ति सॉन्ग के वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाए थे, जो इन्होंने खुद गाए थे। पवनदीप ने कल इंस्टा स्टोरी पर जय हो भोले गाने का वीडियो लगाया, जिसे पवनदीप ने पिछले साल गाया था। हालांकि पवनदीप के इस गाने को अभी एक साल पूरा नहीं हुआ और सलीम मर्चेंट ने इस गाने को डायरेक्ट किया था। उत्तराखंड में इस गाने को शूट किया गया था। पवनदीप ने इस गाने को ना केवल खूबसूरती से गाया बल्कि शूटिंग भी बहुत जबरदस्त की थी। कल महाशिवरात्रि के मौके पर पवनदीप के इस गाने को इतना सुना गया, इतना पसंद किया गया कि पवनदीप का ये गाना 6 मिलियंस का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। मतलब महादेव ने पवनदीप का ये दिन भी खास बना दिया। वही अरुणिता कांचीलाल की एक वीडियो को ढेर सारे व्यूज मिले। याद हो आपको इंडियन आइडल के मंच पर तीसरे चौथे राउंड में अरुणिता कांचीलाल ने सत्यम शिवम सुंदर गाना गाया था। इस गाने में अरुणिता की आवाज को बहुत पसंद किया गया। अरुणिता की आवाज ने कमाल कर दिया, उनकी आवाज के आगे लोग असल सिंगर को भूल गए और अरुणिता की इस वीडियो को करीब 96 मिलियन व्यूज मिले। 2 साल में अरुणिता कांचीलाल के इस गाने को 96 मिलियन व्यूज मिले। कल तो पवनदीप अरुणिता पर सोने पे सुहागा हो गया। एक तो इनका नया गाना कह दो की डिमांड हो रही हर तरफ और कल इनके भक्ति गाने भी बहुत पसंद किए गए।